हैप्पी गणेश चतुर्थी फ्रेंड्स। आज हम पापा के लिए भोग बनाने जा रहे हैं। उसका भोग खजूर का, खजूर के मोदक बना रहे हैं। बहुत ही जल्दी बनते हैं, सबसे फास्ट, 5 मिनट में तो आप बना लेते हो। ओके, तो आप भी बनाइए पापा के लिए मोदक और पापा को भोग लगाइए और उन्हें खुश कीजिए। हैप्पी गणेश चतुर्थी फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे खजूर के मोदक। तो उसके लिए मैं आपको बता रही क्या क्या चाहिए। ये एक बाउल मैंने खजूर मैंने मिक्सर में क्रश किया है। अगर आपके सॉफ्ट हो आपके पास तो आप हाथ से भी क्रश कर सकते हो। मेरा थोड़ा सेमी सॉफ्ट था इसलिए मैंने मिक्सर में क्रश किया है, एकदम ज़्यादा नहीं किया है, सेमी। और आपको क्या क्या डालना है, 2 चम्मच मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, 2 चम्मच मैंने बादाम का पाउडर लिया है, 1 तिल का मैंने सेक के रखा है ये तिल, थोड़े से ये द्राक्ष लिए। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो अवेलेबल हो डाल सकते हो। और 8 से 10 इलायची पाउडर। और इसको मैंने ग्रीस करके रखा, थोड़ा घी लगा के रखा है ताकि चिपके नहीं। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ इनको मिक्स करना है, वो भी हाथ से मिक्स करना है। ओके, ये डाला, ये इलायची पाउडर भी डाल दिया। अभी हमको अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखिए 5 मिनट भी नहीं लगा, ये हमारा थोड़ा मिक्स हो गया है। अब हम इसको सिर्फ मोदक मोल्ड में डाल के बना लेंगे, या हम ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, लेकिन अच्छा रहेगा तो मोदक मोल्ड में तो अच्छा शेप आएगा। और ये मोदक, इसको हम कई दिनों तक खा सकते हैं, खराब नहीं होता है, शुगर फ्री भी है और हेल्दी भी है। देखो कितना अच्छा मोदक बना है। इसी तरह हम बाकी सब मोदक भी बना लेंगे। हमने इसमें गैस का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। फटाफट बनने वाला मोदक है ये। इसे हम ड्राई फ्रूट्स मोदक भी बोल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा हम हटा देंगे। ये देखिए हमारे मोदक बन गए हैं। इसको हम कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैं मेरे पास काजू के पीसेस थे, मैं उसे लगा रही हूँ क्योंकि खजूर है इसलिए अपने आप ही चिपक भी जा रहा है। कितने सुंदर और हेल्दी है ये। कोकोनट का पूरा मैं इस पर डाल दिए थे गार्निशिंग। आपके पास पिस्ता हो तो आप पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं, पिस्ता पाउडर बना के गार्निश कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे मोदक तैयार है। आप भी बनाइए खजूर के मोदक, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। पापा को भोग लगाइए और आप भी खाइए। हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश फेस्टिवल।